गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये होने वाला है हमारी इस ट्रैवल सीरीज का पहला पार्ट एंड काफी टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड इट फील्स अ लिटिल वियर्ड बट आई एम गोना बी व्लॉगिंग द एंटायर यू नो जर्नी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा कि मैं कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, बट बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग में आगे देने वाली हूँ। वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड। अभी बज रहे हैं 5:30 एंड वी आर गोना बी लीविंग इन अनदर 30 मिनट्स। यहाँ सारी पैकिंग हो चुकी है, वी आर ऑल रेडी टू गो। एंड इस ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि ये मेरे और मेरे भाई की फर्स्ट ट्रिप होने वाली है विदाउट आर पेरेंट्स। जैसे कि आपने हमारे पहले के सारे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे तो वी यूजुअली ट्रैवल विद आर फैमिली, बट इस बार ही हम फर्स्ट टाइम दोनों जने अकेले जा रहे हैं एंड समहाउ आर पेरेंट्स अग्रीड टू इट एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। जितनी भी बुकिंग्स हैं वो हमने लास्ट टू लास्ट वीक कर ली थी, बट वी आर वेरी 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 एक्साइटेड। सो हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड एंड जो भी लोकेशंस वगैरह हैं वो मैं व्लॉग्स में आगे रिवील करूंगी एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव इट, सो स्टे ट्यून्ड एंड ट्रैवल विद अस। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, लाइक द लास्ट फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट एंड देन वील बी लीविंग। गाइस फाइनली अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 52 मेट्रो। अभी हम लोग कश्मीरी गेट जा रहे हैं, मेट्रो से ही जा रहे हैं क्योंकि रोड पे इस टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा रहेगा एंड कश्मीरी गेट से हमारा बस का बोर्डिंग पॉइंट है एंड आई एम श्योर विद माय ब्रदर एंड बहुत ही ज्यादा पुअर प्लानिंग एंड बैड आइटिनरी के साथ हम लोग निकल तो चुके हैं। आई होप कि ये ट्रिप बहुत ज्यादा मेमोरेबल और एंजॉयबल हो। अभी हम लोग अपना मेट्रो का वेट कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट कि 3 मिनट में हमारा मेट्रो आ जाएगी एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ से समवेयर अराउंड 1 घंटा लगेगा टू रीच कश्मीरी गेट एंड 9 बजे की हमारी बस है। उस साइड है पर इधर तो पास के रहती है, वो तो वो है, वो प्लेटफॉर्म है। ये 5 मिनट्स लेटर पिछले 5 मिनट से वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि गेट नंबर 5 की एग्जिट क्या है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में पहले आई नहीं हूँ कभी एंड इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट समहाउ वी फिगर्ड आउट द एग्जिट एंड अभी हम लोग एग्जिट लेने वाले हैं। गेट नंबर 5 के एग्जिट पे ही जो फ्लाईओवर है ISBT का, वहीं पे हमारा बोर्डिंग पॉइंट है। सो देयर हाँ, सो हम लोग को अभी एग्जिट मिल ही गया है, सो वी आर गोना गो देयर। सो गाइज अभी हम लोग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से एग्जिट हम लोगों ने किया है एंड बस हमारी लेट चल रही है। अभी ऑलरेडी 9:15 हो गए हैं, हमारी बस का डिपार्चर 9 बजे होने वाला था बट G20 समिट के वजह से बस डिले हो गई है। सो आई थिंक 10:30 डिपार्चर होगा एंड 10 बजे के करीब यहीं से बस आएगी। सभी की बसेस लेट हो गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं, अब सब लोग वेट कर रहे हैं सब अपनी बसेस का एंड हमने सोचा कि अगर इससे पहले की कोई बस मिल जाती तो हम लोग वो ले लेते हैं, बट इस टाइम तो कोई भी बस नहीं चल रही है, सब लोग अपनी बसेस भरने का वेट कर रहे हैं। तो 10:30-11 तक की सारी बसेस निकलेंगी, सो ऑल वी कैन डू इज वेट राइट नाउ। सो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं एंड ये बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। आई थिंक 12 बजे निकलेंगे यहाँ से, 11:30 ऑलरेडी हो चुका है, तो वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी वेल। ये ट्रिप की स्टार्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे हो गई है एंड अब जो हमारी सुबह की 4 बजे वाली बस थी वो तो मिस हो गई है एंड उसकी कैंसिलेशन की टाइमिंग भी ओवर हो गई है, तो अब मुझे कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो वो वाली बस तो गई। अब आज शॉप की सुबह में वहाँ से कोई कन्वेंस प्रमोट मिल जाए, 12 बजे ही वहाँ से चलेंगी बस, कल सुबह 4:30-5:30 वहाँ पहुँचेंगे, तो वहीं जाके देखते हैं कि हमें कोई कन्वेंस का बस मिलता है कि नहीं। और ये वाली बस बहुत ज़्यादा बेकार है, जो हमने करी थी वो स्लीपर बस नहीं थी, ये स्लीपर है, इसके ऊपर
ऐसे है एंड एकदम छोटा सा जो कैबिन वाली फीलिंग आ रही है एंड इवन द विंडो भी इतना छोटा सा विंडो है। विंडो अगर आप उनको दिखा होगा कि नहीं, बट इतना ज्यादा छोटा विंडो है कि मेरी तो हाइट भी पहुंच रही है विंडो तक। तो मैंने अपने भाई को विंडो वाली साइड बैठा दिया कि तू ही कुछ देख ले, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एंड इवन द लाइट जो दे रखी है उसमें स्विच है बट वो लाइट जल नहीं रही है, तो मैं अपने भाई के फोन से व्हाइट स्क्रीन करके अपने चेहरे पे लाइट लगा रही हूँ ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। बट आई जस्ट होप कि ये ट्रिप आगे थोड़ा सा बेटर हो जाए क्योंकि स्टार्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही हो गई है। बट ये सभी लेट्स होप कि बस थोड़ा सा जल्दी निकले, अभी तो 12 बजने वाले हैं और अभी तक नहीं चली है। एंड आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स कि क्या होता है कैसे होता है। बट या अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि बस यहाँ से निकले। एंड इनफैक्ट इसका जो बोर्डिंग पॉइंट था वो भी ऐसी जगह पे था, आस पास कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह भी नहीं थी कि पानी ले लें या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। तो इस टाइम पे थोड़ी बहुत भूख लगने लग गई है एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू स्नैक ऑन, लाइक मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए वो है, बट अभी हमें भूख लगने लग गई है। तो जहाँ पे फर्स्ट स्टॉप होगा वहाँ पे हम कुछ खाएंगे। चेकिंग इन एट 1:45। अभी हमारी बस यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकी हुई है एंड लाइक इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट दिस इज हैंड्स डाउन द मोस्ट अनकम्फर्टेबल राइड ऑफ माई एंटायर लाइफ। लाइक हम लोग इतने ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह लेते रहते हैं बट इतने ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बस फर्स्ट टाइम रही है। लिटरली मेरे घुटने से लेके मेरे सर तक सब दुखने लगा है। बट अब बस ये है कि सुबह ये जल्दी पहुंचा दे कुछ तरीके से कि हम अपनी 4 बजे वाली बस ले पाए। बट ये सभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं एंड वॉशरूम्स वर कंपैरेटिवली ओके इश, लाइक दे वर नॉट वेरी क्लीन बट उतने ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। तो अभी वॉशरूम यूज़ करके आए हैं एंड अभी हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर, बोला है 5 मिनट में दे देंगे। सो अभी हम लोग डिनर कर लेंगे, खाया भी नहीं है शाम के बाद से कुछ, तो अभी भूख भी लगने लग पड़ी है। हमने लिया है सेकेंड पिट स्टॉप फॉर लंच एंड दिस इज द व्यू मेरे पीछे। इट इज सो ब्यूटिफुल, माई गॉड इतना ज्यादा सुंदर है। और इसके नीचे एक नदी भी है बट अभी मैं जा रही थी वॉशरूम, बहुत देर बाद वॉशरूम मिला है, उसके बाद मैं आप लोगों को नदी दिखाती हूँ। इतना ज्यादा सुंदर व्यू है कि दिस जर्नी इज सो ब्यूटिफुल कि डेस्टिनेशन पे जाने के उतना। हाँ वो रही नदी दिख रही है बट आई विल शो यू इन अ बिट। One susu later. ये है अलकनंदा नदी एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ना क्लाउड जैसे डाउन हो रखे हैं नदी के ऊपर एंड द कैमरा इज नॉट इवन डूइंग जस्टिस कि ये इन पर्सन कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड इधर भी सारे क्लाउड्स डाउन हो रखे हैं, इट लुक्स लाइक हेवन, लिटरल हेवन। ऐसे माना जाता है यहाँ पे एक संगम घाट है जहाँ पे ये अलकनंदा नदी और उधर से गंगा नदी आती है, वो दोनों मीट करती है एंड वो रुद्रप्रयाग के पास में है। एंड हम वो संगम अभी देख एंड हम लोग अभी वो संगम रास्ते में देख के आए थे बट मैं ब्लॉग में वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बस से ही हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। बट यस बहुत अच्छी आवाज आ रही है एंड ये जो क्लाउड्स डाउन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं लंच करने एंड उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बारिश से सारे बाल खराब हो गए हैं बट फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जोशी मठ एंड यहाँ पे सारे टैक्सीज ये लगे हुए हैं। तो इधर से हमारा रिजॉर्ट है 2 किलोमीटर्स, 5 मिनट लगेगा जाने को एंड हमने अभी ये टैक्सी कर लिया है एंड दे आर चार्जिंग, दे टोल्ड अस 300 बट अभी वो चार्ज कर रहे हैं 200। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। Thank you.
लेट मी गिव यू गाइस अ क्विक रूम टूर. यहाँ से एंटर करते ही सबसे पहले इधर एक कबर्ड है एंड एज वी गो फर्दर लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव द वॉशरूम. एवरीथिंग यहाँ पे ऐसे वुड का है सो वी हैव दिस प्रीटी स्टैंडर्ड शावर एरिया पॉट एंड अ मिरर हियर टू गेट रेडी. यहाँ से बाहर आते ही यहाँ पे कबर्ड के साइड में वी हैव दिस कॉफी स्टेशन. यहाँ पे हमने अपना लगेज रखा है. देन हियर वी हैव द टीवी कैबिनेट एंड उसके ठीक सामने वी हैव दिस ब्यूटीफुल बेड एंड अ पेंटिंग ऑन टॉप. आई लव हाउ कोजी एंड क्यूट दिस रूम लुक्स. उसके सामने ये काउच है एंड अ टी कॉफी टेबल एंड इधर बालकनी है. दिस इज द बेस्ट पार्ट. वेट फॉर इट. बट आई ऑल्सो हैव अ फुल साइज मिरर. यहाँ से मैं आप लोगों को रोज सुबह और शाम मिरर सेल्फीज भेजूंगी. Coming to the balcony, this is hands down the best view I have ever had. इतने सारे travels के बाद भी but अभी कुछ दिख नहीं रहा है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पे we have all these beautiful mountain peaks but अभी ये सारी clouds से और fog से covered है. ये जैसे ही खुलेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी morning में या ऐसे. और नीचे we have this beautiful view. सो द व्यू इज इनसेन एंड यहाँ पे झूला भी है. मैं इसी पे जाके बैठने वाली हूँ बट आई लव द व्यू. लुक एट इट. ये था हमारा रूम एंड मैं काफी ज्यादा थक गई थी तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा एस्थेटिक शॉट्स ले लेके आप लोगों को नहीं दिखा पाई. बट देन द रूम इज वेरी प्रिटी. लाइक वेरी 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 प्रिटी. मुझे मेरे मनाली वाला रूम बहुत ज्यादा पसंद आया था. पहले तो इग्नोर द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड विद माय हेयर एंड माय फेस. बाहर बारिश होने लग पड़ी थी और मेरे ह्यूमिडिटी में सारे बल्ब फ्रिजी हो गए. बट हाँ मेरा मनाली वाला रूम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड दिस इज हाउ दैट रूम वॉज. स्मॉल क्यूट एंड कोजी. आई लव इट टोटली. एंड जो व्यू है ना वो तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जिसके आगे के हमारे प्लान है मैं थोड़ी देर पहले घर पे भी और भाई को भी बोल रही थी आगे की बुकिंग्स कैंसिल कर देते हैं, 5 दिन यही आराम करके चलते हैं. आई लव इट. एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस रूम इज कि ये जो कम्फर्टर इन्होंने दिया है ये इलेक्ट्रिक कम्फर्टर है. बहुत हल्की ठंड है. मतलब ऐसा है कि आई डोंट फील लाइक वेयरिंग फुल स्लीव्स. हाफ स्लीव्स में चल रहा है बट एकदम से ना गूज बम्स आ जा रहे हैं. वो अच्छी वाली ठंडी है. लाइक वेरी प्लेजेंट मौसम है इधर का. एंड यस अभी पूरी थकान उतर गई है. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली ऑन द वे वाज कि हम लोग की ना जो सुबह 4 बजे वाली बस थी वो तो छूट गई थी. आई टोल्ड यू गाइज. एंड उसके बाद हम लोग को मिल गई थी जो बस उसका इधर ड्रॉप था 2:30 बजे का. बट रस्ते में जाम लग गया बिकॉज अभी आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा ही होगा कि जोशीमठ में काफी ज्यादा लैंड स्लाइड्स हुए थे इन द पास्ट ईयर. तो उसका जितना भी मलबा बोलते हैं वो अभी हटाया नहीं गया था रोड्स से. तो रोड्स की जो विड्थ है वो हाफ हो रखी थी एंड उसमें से 2 साइड का ट्रैफिक चल रहा था. तो उसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया था. वी गॉट स्टक इन द ट्रैफिक फॉर 2 आवर्स एंड फिर जैसे तैसे करके अभी पहुंच गए थे इधर. नाउ आई एम गोना गो फिक्स दिस, यूज द वॉशरूम बिकॉज इट इज बीन 24 आवर्स की मैं वॉशरूम नहीं गई हूँ. TMI बट यस दैट्स हाउ इट इज. अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ एंड देन आई एम गोना गो स्लीप देयर लाइक टेक अ नैप एंड देन प्रोबेबली ईट समथिंग क्योंकि प्रॉपर लंच किया नहीं था. एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो टू द मार्केट. यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मार्केट है. पता नहीं उधर क्या क्या है बट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि क्या क्या है मार्केट में एंड जस्ट इन केस फॉर द नाइट हम लोग को थोड़ा बहुत चुटर पुटर स्नैक्स चाहिए रहेगा तो वो सब लेके आ जाएंगे. एंड यू नो जस्ट टू टेक अ स्ट्रोल बेसिकली क्योंकि उससे ज्यादा तो आज हम कर नहीं सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी आई थिंक 5:30. तो इससे ज्यादा तो आज का कोई प्लान हो नहीं सकता. वहाँ पे 2 बजे से जाम लगा था. अभी हम पहुंचे नहीं तो 3 बजे यहाँ होते. मम्मी मेरे व्लॉग को हाय बोलना. मम्मी आपको नजारा कैसा लगा? रोना आ रहा देखे मैं उड़ के आ जाऊँ. आ जाओ आ जाओ. गेट लॉक. चाय और चिली पनीर क्योंकि सिर्फ यही अवेलेबल था. क्वांटिटी तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम लग रही है बट अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो इट माइट स्टिल बी वर्थ इट. चिली पनीर मुझे उतना ज्यादा कुछ खास पसंद है नहीं बट लेट्स सी. उन्होंने पूछा नहीं कि तुमको ड्राई चाहिए या फिर ग्रेवी चाहिए. मैंने तो स्पाइसी नॉन स्पाइसी पूछा. ग्रेवी वाला चिली पनीर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि
टेस्ट अच्छा नहीं है, बी ऑनेस्ट। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। दोबारा ऑर्डर करके खा सकता है इसको? पसंद नहीं आया। चिली पनीर तो अच्छा ही हो रहा है, बस हाँ ये है कि थोड़ा प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी काफी कम है, बट टेस्ट आई लाइक। आई होप कि सारा खाना अच्छा ही बनाए लोग। अभी हम लोग अपने स्नैक्स एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद बाहर जाना है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि बाहर अंधेरा होने लगा है। क्या करना है, जाना है बाहर जाके देखेंगे, यहाँ से पहाड़ दिख रहा है। दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड फॉर आवर सेकंड स्नैक, क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग गई है। And the dinner is also on the way. Here we have our dinner. So dinner mein mangaya jeera rice, rajma, then this is kadhai paneer apparently, and this is fulka with butter. Isse zyada aur koi option hi nahi tha, to hum log ko yahi mangana pada. Like this was not our first choice, but then you have to do with whatever you get. Kal se hum log bahar hi khana khayenge. One dinner and thousand gossips later. तो कल से हम लोग ना डिनर बाहर ही करने वाले हैं, बिकॉज द होटल इज गुड, द व्यू इज गुड, स्टाफ इज गुड, बट फूड एक तो इट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल, लाइक थोड़ा सा प्राइस ही है, बट देन यूजली हम लोग जिस भी होटल में स्टे करते हैं यही प्राइस रेंज रहता है, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है एंड जो भी है, बट लाइक प्राइस पॉइंट इज नॉट एन इशू फॉर मी, बट टेस्ट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड दूसरे लोग के पास ऑप्शन नहीं है, जैसे कि हम लोगों को तंदूरी नहीं, बटर नान चाहिए था इन ब्रेड, बट उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑक्यूपेंसी इनके होटल में कम है तो वो तंदूरी नहीं लगाएंगे। सो लाइक दैट इज समथिंग दैट रियली बॉदर्ड मी, कि ऑक्यूपेंसी कम है तो फिर इसमें आई कॉन्ट चेंज माई फूड प्रेफरेंसेस, बट एट द एंड मुझे करना पड़ा एंड फिर हम लोग को सादा फुल्का ही मंगाना पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि आप सादा फुल्के की जगह पराठा चाहो तो सिंपल पराठा बन जाएगा, बट देन उन्होंने उसके लिए भी एंड में मना ही कर दिया। तो लिटरली यही चार ऑप्शन था तो हमें यही मंगवाना पड़ा, एंड इवन स्टार्टर्स में भी दे हैड ओनली टू ऑप्शंस। तो आई डोंट नो व्हाई, बट फूड वाले वे में आई डेंट लाइक इट वेरी मच। तो कल हम लोग बाहर जाके देखेंगे कि आसपास जो भी नियरेस्ट मार्केट है वहीं से हम लोग पैक करा के अपना डिनर लेके आ जाएंगे, दिन में तो एनीवेज बाहर ही रहेंगे। तो अभी मैं अपना डिनर करने वाली हूँ एंड देन आई एम गोना स्लीप एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग।